बिहार के वैशाली में एक थाने के बाहर एक लड़के को रिहा करने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे कुछ लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस हंगामे में 3 पुलिस वाले और कुछ गांव वाले घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले थाने के बाहर जमा हुए लोगों का हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस वालों ने उन पर लाठियां बरसाई और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर वहां से भगाया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इन लोगों में कुछ महिलाएं भी शामिल दिखी। इस बीच कुछ लोग पुलिस से बचने के लिए वहां मौजूद दुकानों में घुस गए, जबकि एक आदमी सड़क पर अपनी साइकिल के आगे के हिस्से में 2 तख्तियां लटकाकर थाने की तरफ बढ़ता दिखाई दिया, जिनमें एक लड़के को रिहा करने की मांग की गई थी। हैदराबाद में रफेल मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों से झड़प हो गई। रफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये लोग कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे और कांग्रेस ऑफिस के घेराव की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से ही मौजूद पुलिस वालों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका तो वो लोग पुलिस वालों से ही धक्का मुक्की करने लगे। इस झड़प से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर लेकर एक मार्च निकाला। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस ऑफिस से कुछ दूरी पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। इस दौरान कुछ पुलिस वाले हाथों में रस्सी लेकर कतार में खड़े हो गए ताकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका जा सके। कांग्रेस ऑफिस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मीडिया से भी बात की और फिर पुलिस की घेराबंदी को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस वालों ने उन लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसकी वजह से वो लोग पुलिस वालों से ही उलझ गए। झड़प की वजह से वहां पर अफरा तफरी फैल गई। इस दौरान हाथों में रस्सी लेकर कतार में खड़े पुलिस वालों ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन जब वो लोग नहीं माने तो पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी विधायक राजा सिंह ने प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष से माफी की मांग की। हमारा एक डिमांड है, जिस शब्दों के माध्यम से राहुल गांधी ने मोदी जी को संबोधित किया था, वही शब्दों से राहुल गांधी माफी मांगना चाहिए। राफेल मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया।